हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ठीक ही होंगे और ठीक ही होने चाहिए। तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट ही कर रही हूँ, मैं निकाला ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। काम वाम तो सारा फिनिश हो गया था, बस फिर काम करके ना आज थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो इसीलिए ब्लॉग ज़्यादा बना नहीं पाया। मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और कल का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो कमेंट आते ही नहीं है, सब्सक्राइबर भी कई बार ऐसा होता है कि आते हैं और अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो फिर एक बार मन भी उदास हो जाता है कि नहीं बनानी है वीडियो, छोड़ो, सब्सक्राइबर तो आते ही नहीं। फिर सोचती हूँ नहीं, एक ही तो गया है, क्या पता चार आएंगे, इसलिए फिर दोबारा से बनाती हूँ। और इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए वीडियो तो बनाऊँगी। और मैंने ये मतलब जो मेरे जान पहचान के हैं या जो मेरे आस पड़ोस के हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम वीडियोस अच्छी बनाती हो और आप मतलब ये कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है, इसीलिए मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मा बोलती हैं कि हाँ तू ये कर सकती है। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है, रोज़ पूछती है फ़ोन करके, आज वीडियो बनाया। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मैं अपनी मम्मा के लिए बनाती हूँ वीडियो की। मेरी मम्मा कहती है तुम कर सकते हो, मम्मा कहती है अच्छे सी वीडियो बनाया करो, जो इम्पोर्टेंट लगता है वो शूट किया करो। तो मैं अपनी मम्मा के कहने पर मतलब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ये देख लो भाई, पहले तो मेरा बच्चा लेता था फोन, अब एक और आ गया मेरा फोन लेने के लिए। फोन ले ले आप पहले एक यहाँ पे खड़ा हुआ, ये नहीं बोलता था माँ का फोन दे दो, अब ये एक और आ गया, नू बोला सीरियल देखूंगा तेरे फोन में, बता चाय मेरी चाय गर्म कर दे फिर दे दूंगा। तो अभी मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं आज बनाने वाली हूँ मेरी एक्सू के लिए मोमोज, क्योंकि मोमोज बहुत ज्यादा खाता। तो यहाँ पे मैं एक गोभी लूँगी, एक गोभी से मोमोज बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इसको कद्दूकस वगैरह करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा प्याज कद्दूकस करूँगी, और ये इसके अब करने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या कैसे बनाने वाली हूँ मोमोज। तो चलिए चलते हैं, पर मैं गोभी साफ़ कर लूँ उसके बाद फिर बनाती हूँ। तो अभी मैंने मोमोज बनाने के लिए गोभी साफ कर लिए, प्याज घिस लिया, और थोड़ी सी लिया मैंने अदरक कहाँ रख दी। तो अदरक वो मैं कद्दूकस करने वाली हूँ, अदरक को कद्दूकस करूँगी। तो एक बार मैं इसको साफ कर लेती हूँ, जब मैं इसको कद्दूकस करूँगी। अभी मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दिन में ही बना रही हूँ, शाम का टाइम मतलब नहीं हुआ है। तो ये है मैंने बना के रख के, और फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर घूमने के लिए, खेत की तरफ जाऊंगी। तो फिर मैंने कहा इनको उबलने के लिए रख के जाऊंगी, और उसके बाद ये हो जाएंगे, तब तक मैं खेत से घूम के आ जाऊंगी। तो एक बार मैं इनको कद्दूकस करने वाली हूँ यहाँ पे भाई गोभी घिसी जा रही है, ये देख लो एकदम मस्त तरीके से मोमोज बनाने के लिए है ना। और मैं भिगोने वाली हूँ मैदा। तो अभी एक्सु निकल पड़ा है खेत में जाने के लिए, अभी एक्सु जाएगा खेत में। खेत में क्या करने जा रहा है एक्सु? एक्सु जा रहा है घिया तोड़ने, घिया वाले खेत में जा रहा आज। चलो अब हम निकल चुके हैं खेत में जाने के लिए। ये हमारे कुछ पौधे हैं शैतूस वगैरह के, आ जाओ ताई खेत में जा रहे हैं। हाँ? आज एक सौ खेत में घिया वाले खेत में एक्सु की दादी पहले जा चुकी हैं घिया तोड़ने के लिए, और अब हम तीनों जा हैं। मैं तो भाई वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ, मैं नहीं तोड़ती हूँ घिया हुआ, मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो पीछे एक ताई आ रही है, वो घिया खरीदेंगी। आराम से उतरो,
वे जंगल की तरफ से होते हुए ये हम जा रहे हैं अपने खेत में। चुके हैं घिया के खेत में और यक्षु हमारा पीछे पीछे आ रहा है चीजी खाता हुआ, तो थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा और मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बन जाएगी और मम्मी और घिया तोड़ लेंगे। और मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये बारिश की वजह से ना वाइट वाइट से वो हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो पे निकलते हैं, हमारे इधर भी होते हैं यूपी में ना, तो इनको सन ऐसे कुछ बोलते हैं हमारे यूपी में। तो ये देखो कितने सारे हो रखे हैं इधर साइड पे, ये यहाँ पे ये सारा ये। और मैं ऑल ओवर खेत का व्यू दिखाती हूँ आपको, ये देखो शाम हो चुकी है, सूरज भी डूबने वाला हो गया है, 6 बजे का टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 6 बज रहे हैं, शाम को आई हूँ मैं। दिन में तो मेरा बोतल ले लेता है फ़ोन, ही मुझे वीडियो बनाने नहीं देता, 2-3 4-5 मिनट का शूट कर पाती दिन में, तो नींद आ जाती है। तो ये चलो चलो ये हमारी ताई खेत में से घिया लेके जा रही है, ताजी ताजी है, ताई ताजी ताजी घिया के साथ खाओगे ताजी। हाँ दादी जी लेके जा रही घिया, चलो उधर चलो, पापा घिया तोड़ रहे हैं। ये हमारा घिया का खेत है, इसमें घिया तोड़ रही है मम्मी, एक तसला भर रखा मम्मी ने घिया का। ये देखो यहाँ पे बस पूरे में ढूंढ ढूंढ के तोड़ने पड़ती है। तू भी जाएगा क्या अंदर? ये डगल गिया लगी हुई है, यक्षु बेलों के अंदर घुस के चिज्जी खा रहा है। यक्षु मच्छर काटेंगे बाहर, आ जा आ जा। खेत में घिया तोड़ रहे हैं, देख लो मम्मी और यक्षु के पापा घिया तोड़ रहे हैं और यक्षु यहाँ पे चीज खा रहा है, ये चिज्जी खा रहा है, देख लो मच्छरों ने काट लिया ना, काट लिया ना, काट लिया। हेलो कर दो, हेलो गाइस बोलो, हेलो कर दे, कर लो मेरी चिज्जी खा लो। चिज्जी खा लो, चिज्जी दे रहा भाई एक सू है ना। कह रहा गाइस चिज्जी खा लो है ना। खा के दिखा रहा, टूटता नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, गंदी बात होती है और गंदी बात होती है। यहाँ पे यक्षु खुजली कर रहा, पसीना साफ कर रहा है कि खुजली कर रहा है, खा के मुंह में भी नहीं गया, ऐड़ा गिर गया ला के ना, और खुद ही खा लिया, देख लो गंदे बच्चे ने। तोड़ दी है, ये दोबारा से तसले में रखने के लिए जा रही हैं। बादल देखो कितना अच्छा हो रखा है, इतनी सारी घिया तोड़ के रख दी है, देख लो भाई लोग, बोझ बनेगा इसका,
मंडी में जाएगी ये गिया इतनी सारी। सुझा रहे हैं घर, पापा और दादी को तो टाइम लगेगा क्योंकि वो गिया तोड़ रहे हैं अभी, पूरे खेत की गिया नहीं टूटी है। और मैं यहाँ पे मच्छर लग रहे हैं तो इसको मैं घर लेके जा रही हूँ, मच्छर काट लेंगे ना तो ये फिर परेशान हो जाता है मच्छर की वजह से, इसलिए मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। है ना बेटा, घर जाए ना, खुश हो रहा है। तो घर जा रही हूँ, थोड़ा इधर घूम तो पाई नहीं, थोड़ा सा वीडियो बनाया है, देख लेना आप लोग कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। और ये पड़ोस वाला खेत है जिसमें सामने एक बार फूट तोड़ी थी ना, ये वो वाला खेत है। तो अभी मैं और यक्षु तो घर जा रहे हैं, वो लोग आएंगे बाद में। तो चलो यक्षु जल्दी जल्दी चलते हैं। यक्षु के पैर में मिट्टी चली गई ऊपर चढ़ते टाइम, तो कह रहा हो मिट्टी गई पैर में, पैर में मिट्टी गई पैर में गई मिट्टी। तो अब मैं इसके पैर धो दूँ एक बार। आ जा, ये हमारा नींबू का पेड़ है ना, इस पर नींबू पक रहे हैं, कल तोड़ेंगे। थोड़े से ये कल फिर से तोड़ेंगे। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर के बाहर, अब घर में एंट्री लूँगी। आ गई हूँ घूम घाम के। ये अनार के पेड़ पे अनार भी लगे हुए हैं देख लो, और इसमें और भी ज़्यादा फूल आ रहा है ना। यक्षु के पैर दिला दी, हाँ धो लो, धो दे पैर, चलो बाहर चलो। आप कहाँ जा रहे हो, जाओ पंखे के वहां बैठ जाओ थोड़ी देर, आ जा, ये मानेगा थोड़ी अंदर जाए, चल खोलो गेट। अंदर यक्षु के पैर वैर धुला दिए मैंने और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ पे मैं ये गोभी मोमोज बनाने के लिए कद्दूकस करके गई थी, तो अभी मैं इसको बनाने वाली हूँ मोमोज, और मैं आपको दिखाऊंगी मोमोज कैसे बनाऊंगी। इसमें मैंने जो डाला था वो मैंने आपको दिखाया क्या क्या डाला था, एक प्याज डाला, एक गोभी है, दो तीन हरी मिर्च कस दी और दो तीन लहसुन की कली। तो अब मैं इसको स्टफिंग के लिए बनाने वाली हूँ, इसमें मसाला ऐड करूँगी, नमक मिक्स करके गई थी, जो पानी होता ना वो निकल जाता, तो इसको मैं अभी बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं इसमें ना जो गोभी मैं बना के गई थी स्टफिंग के लिए, इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें मिर्च वगैरह भी मिक्स हो जाए और जो इसका पानी है वो निकल जाए अच्छे से, तो इसीलिए इसको मिक्स करके ना फिर इसमें निचोड़ दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, फिर इसमें और मसाले मिलाऊँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। किचन का काम फिनिश कर दिया है और बर्तन तुम सब धो दिए, यहाँ पे बर्तन धो के रखती है, ये सब्जी बना दी कुकर में और यहाँ पे दूध गर्म कर रखा है। ये है ना, ये मतलब कि इसलिए सूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन मेरे बेटे ने ले लिया था, एक सुने मोमोज बना रही थी वो भी उसने पूरे सूट नहीं करने दिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ी देर के लिए, सारे बाहर बैठे हुए तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। गिर जाएगा बेटे, क्या
हो गया। अभी बज रहे हैं रात के 11 और मुझे नींद आ रही है, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अब मैं आपसे मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।